नमस्कार, लोक कल्याण कार्यक्रम को स्वागत करछु। लालमोहन 75 वर्ष रे आम स्वाधीनता गणतंत्र 7.5 दशंधिर विकास यात्रा ग्राम सभा पंचायत रो संसद लोकमत ही सबुठ उपरे पूरण होउछि कि लोकों आकांक्षा सरकार को माळमाळ योजना प्रति सप्ताह रे गोटिए सरकारी योजना को नहीं आमे लोडिबो आपणक मत। सरकार फेल पास आवरेज ना एक्सलेंट आपण करिबे आकलन एहाकु नै आमर विशेष कार्यक्रम लोक कल्याण। आज आम लोक कल्याण में देखा प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जितेबले आरंभ होता से उद्देश्य था भारत प्रति परिवार मुंड उपर छात समस्त घर तेज योजना केते दूर पहुँची पारी लोकों पाखे विशेषकर ओडिशार जनसाधारण पाखे योजना पहुँची पारी तो ओडिशावासी योजन सुफल पाई तो हमारी कोशिश ये है सिर्फ मकान देना यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने इतना नहीं, उसको जीने जीवन जीने की हैसियत देना, उसके मन में जीवन जीने का उमंग भरना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने का मिले और आने वाली पीढ़ियों को देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। समाज में बहुत परिवार अछंती जहां को मुंड उपरे छात नहीं, एही स्वप्न साकार हेबा पई मोदी सरकार आनीतिले प्रधानमंत्री आवास योजना। 2015 जून 25 जनता को मुंड उपरे छातटे पई मोदी सरकार आनीतिले जुगांतकारी प्रधानमंत्री आवास योजना। टार्गेट थिला 2022 मार्च 31 तारीख सुधा देशर प्रति परिवार मुंड उपरे छात। आ मोदी सरकार भारतर गरीब जनसाधारण देखिथिबा स्वप्न सेतेबेले साकार होउछि जेतेबेले लोके केन्द्रर एही योजना उपरे मोहर मारिछन्ति। 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए आवास निर्माण आवश्यक है। करीब 2 करोड़ शहरों में है, 3 करोड़ गांवों में है और ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते पर मकान बना पाए वो संभव नहीं है, न उसके पास जमीन है न उसके पास पैसे हैं। विकास के लिए व्यवस्थाएं कभी कभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती। शहरांचल एवं ग्रामांचल गरीब जनसाधारण को टारगेट करी आरंभ होइतला योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजन मिलुवा गोटे यूनिट घर मूल्य होला 1,20,000 टंका। पूर्व इंदिरा आवास योजन गोटे घर करने मिलुला 70,000 टंका, किंतु प्रधानमंत्री आवास योजन जड़े हिताधिकारी गोटे आवास घर बाबदे 1,20,000 टंकार अर्थ मिलुच्छाद। एम जि एनआरजी योजना और स्वच्छ भारत योजन टॉयलेट निर्माण पर मिलूँ अलग अर्थराशि। एमजी एनआरजीए रे 90-95 दिन काम मिलुवा बेले टॉयलेट निर्माण पर मिलूँ 12,000 टंका। 2015 रु एजाए मोदी सरकार समग्र देश में 1,50,00,000 घर दे सारी, या मध्य ओडिशा रे रही 19,16,000 आवास। 2020-21 देश में आहरी 50,00,000 अधिक आवास घर देवाई मंजूरी हो सारी। किछि वर्ष तले राज्य सरकार भूमिहीन को जगह जोगाइबा घोषणा करते एपटे मोदी सरकार को आवास योजन घर देवाई प्रतिश्रुति। उद्देश्य था भारत सब नागरिकों मुंड छात घर निकटने राज्य सरकार आउ 8.5 लक्ष घर पर केन्द्र सरकार को निकट में दाबी रखिंट आशापी केन्द्र सरकार आवास मंजूर करु राजनैतिक बाबूं छत्र छाय ते योग्य बदल अजोग्य राजनैतिक दल नेता मंत्री हाथी नहीं घर उपाय किसी आना भंगा घर पाल टंगे रही चु केत उड़ी जा तो केत रोची पशि जाऊ दुखरे दिन काटू खंडे घर अनुदान दौना सरकार केत लोक केत कौन दौन मु खंडे घर पर यकम अनुरोध कर बुढ़ी फनी बात्या पर दृश्य को देखु केन्द्र सरकार आवास घर प्रदान करने
जो योजना करिसेंति जदि सही लक्ष्य मुताबक राज्यर हिताधिकारी आवास घर मिलता तबे फनी बात्या परवर्त समय एपरी दृश्य देखा मिल न था। नजर पकातु एसबू कचा घर उपर एसबू घर भांगी रुजी जाइए पानी से धोई जाइए ओडिशार उपकूल अंचल दृश्य बयान करुच्ची कचा घर सत कहानी जदि एम मुंड पक्का घर था आज से दुर्दशा भोगवाक पड़ न था। राज्य योग्य हिताधिकारी जगार अयोग्य पाई घर मरीचिका पलटि आवास योजना आवास योजन वंचित तो रेंगाली ब्लकवासी झाटीमाटी खपरा घर बीतुच्छे जीवन संबलपुर जिला रेंगाली ब्लक सालट पंचायत तुरीटिक्रा गाँ गाँवर अनेक परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासन को गुहारी कले शुणुनि प्रशासन मिलू फंपा प्रतिश्रुति परिस्थिति जहाँ थी से रही खपरा घर बीतुच्छे जीवन विभागीय अधिकारी खामख्याली मनोभाव जो आज भी अनेक परिवार आवास घर पाइबार वंचित आ सबू देखि चुप प्रशासन लोक दुर्दशा भोगवाक छाड़ी नजर पकातु यह परिवार उपरे ये होंगे त्रिटिया मुंडा परिवार सदस्य संख्या पखापाखि बार अधिक दुई बखरा खपरा घर रही तेणु बाध्य से गाँ पाख पहाड़ जंगल पाखे निज खर्च मटिघर टे या आउ सही माटी घरे बीतुचे जीवन आउ ये इंद्र खड़िया तांको घर को मध्य टिके नजर पकांतु से मध्य प्रशासन को गुहारी करी थकी गलानी हेले तथा भी शुणुनि प्रशासन सब असुविधा अच्छे खाइबार पानी फिर असुविधा घर फिर नहीं रहबार लगे असुविधा बाट बार नहीं आबार जीवार असुविधा सब बोले तुम ये बाबदा कह के आगरू अभियोग करी छो काना कहि छो ये बाबदा करी थिलो से माने सुनबार नहीं किसी नहीं घर घर घुरा किसी नहीं मिलबार अप्लाई करी छो ये बाबदा कह के जने छो कह के आगरू काना कहु जन से माने नुआ तो कहु धाम बोले वर्षा मासे केंदा करसो केंदा खपरा घरे छो केंदा करसो वर्षा मासे खप ये माटिर घरे रहु छो ना माटि घरे मोर गाम अझीरे घर छे सेनु इनके केंदा आसलो बोल छे सेने कुटुंब लागी जागा भेल हे लागे जगह जो सॉर्ट है ना खाली चावल हर कथा खाली चावल देसी नहीं आ होता ए दृश्य होची अनुगुल जिला कोणिया ब्लॉक दल्लक पंचायत कोंटापाळ गांव रो गरीब परिवार रो करुण चित्र गांव रो विधवा निद्रावती प्रधान स्वामी किछ मासला आरोपारी को चली जाई छंदी घर कहिले खंडी ददरा कुडिया सेतिरे अति दयनीय भाबे दिन काटु छंती निद्रावती सेही परि गांव रो सुशीला बेहरा से जणे दिव्यांग सुशीला एक खोलामेला चाल छपर घरे रोचंती दिव्यांग होइथिबारु बाहर को शौच करबा को जाई पारु नांती बारंबार अभियोग पर मध्य आज पर्यंत घर खंडे मिलि परला नै सरकारी सहायता कहिले दिव्यांग भत्ता सेही परि गांर विधवा टिकिली बेहरा तीन जन अविवाहित झियंकु नै दुर्दिन रे दिन काटुचंती रहिबा पई घर खंडे नै प्रशासनिक अधिकारी को घर खंडे पई बारंबार नेउरा होइचंती हेले किछि लाभ होइनी प्रकृत हिताधिकारी योजनाठू बहु दूर रे आज भी चाल छपर रे कटुची दिन काहेकि मिलुनी एमानको पक्का घर पुओ बहु अछति मु दुखरे चलुची घर भांगी जाइची कांथी भांगी जाइची मु भंगा घर रे दिन जाक रहुची मो स्वामी तीन मास हेलान मलान मु दुखरे रहुची पुओ बहु पचारुचंदी ना पचारुनाहंती टोटाले मा छुआ हम चार जन बाहर अछु आउ एने घर द्वार भांगी भंगा जाए यहाँ नरा नर छाई छुआ कर रखु आ घर कहीं ना आ सरकार कहीं पाऊन खाली जहाँ भत्ता पाऊँ आउ ए जो चाउल दे आधार कार्ड रे पाऊ आतीक आ कि ना जो मैंने योग्य भी अच्छा गोटे सेपरेट इनक्लूजन लिस्ट कराई ब्लॉक लेवल से मेन्टेन कराँच जो रिसेंट टारगेट आसी इनक्वायरी सरला देहरू जो मैंने अयोग्य बेचित हेबे से ना कटिगला एमकर जो लिस्ट अच्छी से ना गुड़ी एंटर करायोरीटी बेसीस घर दिखाई बस अपराह परमानंद दीर्घ दिन धरी पलिथिन तले एकाकी बीतुच्छे जीवन झड़बर्षा हो कि शीत काकर यही पलिथिन तले कटुच्छे जीवन किंतु सरकारी घर खंडे मिल पारा ना जदिओ ना घर आसी प्रतबंधक साजिश जगापाई बाप अजा बेलू सरकारी जगार रही आृद्ध परमानंद घर निर्माण पर निजस्व जग नाण करज भाग्य को आदरी सरकारी घर को अपेक्षा कर रही स्थानीय सरपंच कहते घर आसी सरकारी जगार रोथ निर्माण संभव नुहे
तेणु तहसिलदार तुरंत तदंत कर जगह जगाई देवा से दावी कर कौन कहते नीलगिरी उपजिलापाल शुणु गोचर बोले कहते मत जगह देना मोटर पोला मारिक रही सरकारी जहाँ जमी अनुदान अच्छी जगह ताकू दे आम आम तरफ पंचायत तरफ गोटे घर योजना करते घर टे पाई से आराम से रही पारंता मो दोस्त को आनी भल कर तेणु दरखास्त मिले मुझान को कही एनक्वारी करी आदि से योग्य व्यक्ति होती है आम निश्चित भाव खुब शीघ्र जगह जोगा देवार व्यवस्था कर गाँ अख्तियार फेरला ग्रामीण आवास पॉलिटिक्स योग्य लोक पक्का घर न मिलवा शासक दल को पड़ी महंगा भोट मागिबा को जिबा बेले लोकों प्रश्न बाण रे नेता खाइला जन आक्रोश रु बर्तिबा लागि केन्द्र को दोष दला बीजेडी ए हुची कटक बारंग ब्लॉक मधुपुर पंचायत देउळ ग्रामर नरेन्द्र भोई दीर्घ दस वर्ष रहब सेठी बसवास करुछंदी हेले एजाइन तांको मिली पारि नै खंडे पक्का घर सरपंच आरंभ कर अधिकारी पाखक दौड़ी दौड़ी नयांत हेलेनी नरेन्द्र मात्र केवल प्रतिश्रुति छड़ा आउ किछि पाइ नहंति ए वृद्ध व्यक्ति जनक आउ एबे निर्वाचन आसीथिबारु प्रतिश्रुति देइथिबा से नेता मानंकु निज दुआरे जगी बसिछंदी नरेन्द्र केवल नरेन्द्र नहंती बरंग नरेन्द्रंक परि एइबळी राज्यर प्राय 40 लाख परिवारंक पाखरे खंडे सुरक्षित बासगृह नाही पंचायत निर्वाचन पई बीजेडी नेता गाँव को जीवाबेले लोके प्रश्न करुथुबा भी देखिबा को मिलिछि तेणु एपरी स्थित बचाप केन्द्र पंचायतीराज मंत्री को चिठी लिखिंट राज्य पंचायतीराज मंत्री प्रताप जेना ते प्रताप लिखि चिठी को नहीं सरकार को उपरे बर्षि विरोधी बीजेपी कही सरकार योग्य लोक पक्का घर नदे थिलावाला और निज कर्मी को घर बांटि जो अकल बजे 2018 मार्च 2019 मार्च भितर चारिथर आवास विंडो खोला तारीख बढ़ा जाता 6 जुलाई 2017 31 मार्च 2018 पर्यंत आवास सॉफ्टवेयर विंडो खोली प्रथम थर पर 31 मार्च 2018 30 जून पर्यंत यह एक्सटेंशन करा जायतला पुणी आउ थरे 30 जून 30 सेप्टेम्बर पुणी तृतीय थर पर 30 सेप्टेम्बर 30 नवेम्बर पर्यंत विंडो ओपन एक्सटेंशन हला तथापि राज्य सरकार जाणीशु अनेक हिताधिकारी ना आवास सॉफ्ट तालिका रे अपलोड करि नथिले सेतिपई पुणी चतुर्थ थर 30 नवंबर 2018 7 मार्च 2019 पर्यंत विंडो ओपन थिला तेबे समय भितर राज्य सरकार मात्र 45,903 हिताधिकारी ना अपलोड करथिले पुणी एतिरे हिताधिकारी आधार लिंक भी होइ नथिला चर्चा होची गाँ लोकों आक्रोश रु बर्तिबा लागि सरकार घोषणा करथिबा आवास मरामती सहायता काम दो नथिबारु एपरी नुआ स्ट्राटेजी अपनैछि बीजेडी आ गोटा सरपंच मधुबन रही सी धोली केत थर कागज पत्र तीन थर चार थर दे तुम नंबर आगे अच्छी आसला सर तुमको दिहब दौड़ी जाऊ तो आज कह हाँ तुम नंबर आगे अच्छे आसला सर घर तुमको दिहब ए ठकुस गत 27 तारीख दिन मु केन्द्रमंत्री सहित आलोचना करी कि घर जोगे दि जाऊ ओडिशार गरीब लोके एवं एमाने घर पाइबापी संपूर्ण भाव हकदार विजु जनता दल धनी नेता धनी कर्मी मानक आपड़ घर 4-5 लेखा बांटिंट जहाँ कारण गरीब पापार नहीं गाँ को गले लोक पचार मो घर कहीं तेणु आप चिठी लिखिचु ये नाटक करे नाटक चल प्रताप जेना इलेक्शन बेले लिखुची 3.5 वर्ष हो गला प्रधानमंत्री आवास योजना गोटा हो पार्लानी ये तुम मन पड़ा नॉमिनेशन जिते सर भोट प्रचार आरंभ हो सारा दुर्नीति निर्दिष्ट कौटी अच्छी अभियोग विभिन्न फोरम अच्छी लोकायुक्त अच्छी इंडिपेंडेंट संस्था अच्छी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने 2019 में 2020 में 2021 में 3 चिट्ठियां लिखते हैं वो केंद्र सरकार को और मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 लाख परिवार 6 लाख घर जो कि ज्यादातर आदिवासी भाई बहनों का है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सम्मिलित किया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र सरकार का एक आवास पोर्टल है मान्यवर, उस आवास पोर्टल को खोलना पड़ेगा। 3 साल से यह आवास पोर्टल खुल नहीं रहा है।
3 ବର୍ଷ ହେବ ଆବାସ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ତଦନ୍ତ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ମାନିଥିଲା 5,05,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆବାସ ସଫ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ନଥିଲା ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ସରକାର କାଟିଲେ କେମିତି? ଫନି ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବାସ ସଫ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଥିଲେ ବି ସତେ ଯେମିତି ସସ୍ମିତ ଏକଥା ପାସରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ କ୍ଲବ ୱେବସାଇଟ 7 ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଡେଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଂସଦ ହେଇକରି? ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଲେ ନାହିଁ, 2019 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିଲା, କାଳେ ବିଜେପି ଜିତିଯିବ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କଲେ ନାହିଁ ନା? 7 ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟିଏ ବି ପୁରେଇଲେନି? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସି ସେତେବେଳେ ଆବାସ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଗାଁ ଗଲେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆବାସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମେରେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ସରକାର କହିଲେ ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 3,98,000 ପକ୍କା ଘର ଦରକାର। ସରକାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି 2 ଅର୍ଥାତ 2019 ଅଗଷ୍ଟ 27 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 9 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ସଫ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ 25, 2021 କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8,17,000 ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। ସରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ଘର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫନିର ପ୍ରଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଘର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷୋଭ କେବଳ ଜଣେ କି 2 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ନୀଳଗିରିର ଏ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥିଲା ବାଲାକୁ ମିଳିଛି ଘର, ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନାହିଁ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ନୀଳଗିରିର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ କଥାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଯଦି ନିଆଯାଏ ତେବେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସିକି କହିବେ ମା ଭଉଣୀ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିଦିଅ, ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲେ ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମା ପୁଅ 2 ଶୋଇଯିବା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟରେ ରହିବି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ହବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ଘର ହୋଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବି ନାହାନ୍ତି କି ମଣିଷ ବି ନାହାନ୍ତି। ବେଶ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ। ଏହି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଜନଆଦୃତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 2022 ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30 ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚିଠି ଲେଖି ଆହୁରି 14 ଘର ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ନେଇଥିବାରୁ ଏହି 14 ଲୋକ ଏବେ ବି ପକ୍କା ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଅପାରଦର୍ଶିତା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଯୋଜନାରୁ କେତେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ? ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ପଚାରି ବୁଝିବା ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ। ପତ୍ରାପାଲିନୁ ଏନ୍ତା ଘର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ନା ପାଇବାର ସାର୍, ଆଉ ଇଟା ବୋଲି ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଆର୍ ବହୁତ ଲୋକ ଏନ୍ତାକିରି ଅଛନ୍, ଆଉ କୁଡ଼ିଆ ମାରିକିରି ଚଲୁଛନ୍, ଆଉ ଭୂତି ଦୁଃଖ କରିକିରି କରୁଛନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନା ପାଇଁ ଆର୍ ଦଉଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ଅଲଗା ଆଡ଼କେ ଯାଉଛି ସେ ଘର ମାନେ। ଆମେ 3 ହେଲା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସବୁ ବାଦ ହେଇଗଲେ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ବାଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇ ରହିଛନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଜମି ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ସେଇଟା ଏକରଟେ ଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ବନ୍ଧାଛନ୍ଦା କରିକି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ସାଜିକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ନୀରବରେ ରହିଛୁ, ଆମ ଘର ବେଲୁ ନାହିଁ, 3 ଘର ବେଲୁ ନାହିଁ ନ,
आर आमको दियो घर दियो आमे टंका क्या चावल खाई की जे रही जो बहुत दुखी रे रही जो घर तो आमको देलो नहीं किछ नहीं भूट दउ जो आर आया दियो घर आमको दियो घर नहीं देले आमे बड़ा असुविधा रे चलु जो आ पानी गोली जाउ जे याडे टिके सुखा रहले वाला चलता थरी जाउ जो कोमल उड़वा लागी नहीं किछ नहीं आमे खाली के टंका किया चावल खाई की आया टंकाटे आमे हेतिरे न रही जूं कलेक्टर ऑफिस के गनु न तहसीलदार निके गनु न कागज पत्र दुई थर तीन थर पखानु न केबे भी जगह मिलवा नै कि घर भी मिलवा नै देमु बोलुछन आरु नै देबार ताकर पास के गले सुनबार नै सबे खेदुछन कुकुर जेतेले वोट होउछे सेते समय रे खाली आसुछन जगह कर देमु तमर डीही कर देमु बोलुछन आर वोट सरी गले हमकु आ नै पछराबार ने बापा एकरे घर नै खावा पीबा भी असुविधा लोक नहीं ना मोर घर दरकार बाफा खावा पीवा को असुविधा आज गुरा जाइली मेल लगे तो देखी दे वीडियो कर देबू बेला के वीडियो के देली तो वीडियो के नहीं सुनी घर दुआर नहीं मिलवार भात गोटे लोग के नहीं मिलवार गोटे लोग के मिलचे हो गोटे लोग के नहीं मिलवार आर आमर तो पिला छुआ नहीं गे आम तो कमे लिखोचु निजे कमा लिखोचु आमर तो घर दुआर नहीं गे आमर तो घर दुआर अधरी गला ने सोई भस्कली पुंजीबा ना घर नहीं कि दुआर नहीं किन लगे आम रेमु सरपंच के मेमर के आर कलेक्टर के फोन कोई थी तहसीलदार फोन कोई तो तहसीलदार आंदा लग झीली कोन बुआ बुआ घर घुरा को मिल ले हेटा तो है ना सबके लोग के दरखास्त करी चाहिए घर सरपंच मेमर के भी तोर कथा सुनबार नहीं आज्ञा खाली टंका कमाऊ बोली करी वोट मांगी मांगी बोलु छन ताके से गरीब लोग लगी चिंता से नहीं किए से नीलमणि माझी लगी चिंता नहीं करवा घर नि न घर टिके करी दियो बलिकरि कोई गलु तीन थ चार थर बलक गलु ह हवा कहले लेखि पड़ी करी नेले घर ही आई थला खाए जे घर टाही काटी देले नि देले इटा ही फेर पर तीन थर चार थर गलु घर टिके लागी मोर रानी मुड़ी लोके मोर कही नि न जगह नि न बकरा छुआटा कर मांगी छे जे से खट पड़वा नि किछ नि पान गलु छे रही नि पारवा आसी जीवा घर कही करी से मने तीन थर चार थर ही कहले न लेखिक ऋण ने न आरु से घर आज जा दर्शन नहीं हमार घर बहुत असुविधा हो आज्ञा घर हमार कही कही थकी गलोना सबके लिस्ट मंथी आसूचे घर हमें फिर देखुचे लिस्ट मंथी आसूचे कि हमार घर रानी देवार से पंचायत नेके जीव कहले ब्लॉक नेके जाओ कौछन ब्लॉक नेके जीव हेले तुम्हें कलेक्टर नेके जाओ कही दौछन आउदिन तीन टा छुआ धरिक वीडियो सर नेके जाइल आ कहलु जे सर हमार घर के भी आसवा कहन बोले तुम्हें तो खाली तमरी जाऊ जे हेजा आगे नु कर आसुछ तुम्हार घर आसवा हेल्ले चेकिंग जीवे न तुमके घर देवे न खाली आसिकी हमके इन्हें कहू छो कहकर वीडियो सार निजे न कहले हेदन आ धमक लेखे देखिए हमें पलि आसनु सब आसनु जो कल पर चेकिंग कहले तो चेकिंग फेर नहीं आसले आसनु मत तो घर के मिलवा मिलवा कहसन घर के मिले पंचायत के तो कही देखल न बार बार पंचायत के कहूँ और सेक्रेटरी के वही कि सरपंच के भी सरपंच तो आउ सुनबार नहीं है मोर घर नहीं द्वार नहीं पुओ बहु जुड़े रे अछन गुटे घरे बड़ पुओ रहउछे गुटे घरे सान पुओ रहउछे मुई आरी भंगा कुड़ी आठी मोर दियर रहछन परथी कुन्हाटा के मुई रहउछे तो सेटा टिके आज्ञा टिके देखो जे आवास लगबले घर लगबले किन के कोलो न का घर लागिर बोली पंचायत ऑफिस के दुई थर तीन थर कार्ड आडे से कागज पत्र देली न सेटा हां आउ छे बोली कि कहू छ न सेटा ना आए बार आज्ञा मुई भूमि हिन पूरा भूमि हिन है मोर घर वाला नहीं पो जुड़े अछन बोली कि पांच थी टिके मते मिलु छे 2022 मसिया शेष होगा बेलू भारत सरकार तांगो लक्ष्य स्थल में पहुंची सारी नहीं दाबी करछंदी मात्र ओडिशा रे लक्ष्य पूरण होगा नहीं छिड़ा होची बड़ प्रश्न केन्द्र सरकार अर्थ देवारे कौन से अवहेला करना जदि क्योंटे असुविधा रही है राज्य सरकार को कार्यान्वयन में अपारदर्शिता तेणु ओडिशा रे धार्य लक्ष्य पूरण हो पारिना ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना बाटबणा हो जाए लोक कल्याण कार्यक्रम को एडसेस करछु पुणी देखा हबो आगामी सप्ताह विदा दियंतु नमस्कार।